एटा थाना मलावन क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों में दीवार लगाने को लेकर हुए झगड़े में बीच बचाव के आए व्यक्ति की हत्या की जाने व तीन अन्य लोगों के घायल होने का मामले में थाना मलावन पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी सुनील कुमार सिंह के आदेश के बाद मलावन थानाध्यक्ष ने एक महिला समेत पांच पर मुकदमा दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक फावड़े से काटकर युवक की हत्या की गई थी, पुलिस ने बहुत जल्द मामले को वर्कआउट कर लिया है महज कुछ ही घंटों में। क्या वजह रही और कितने आरोपी पकड़े गए? जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में एक ही खानदान के दो परिवारों में आपस में दीवार लगाने के ऊपर आज विवाद हुआ और उस विवाद में एक दूसरे से वो धारदार हथियार और फावड़े से मारपीट किया गया। इसमें कुल चार लोगों को धारदार हथियार से फावड़े से चोटें आई थी, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस संबंध में 302 IPC का मुकदमा पांच नामजद आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ है। पांचों आरोपी जो नामजद हैं वो सभी गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से धारदार हथियार और जो आला कतल फावड़ा है वो भी बरामद हुआ है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है और उन्होंने ये बताया है कि जमीनी विवाद की रंजिश में दीवार लगाने के ऊपर उनमें ये विवाद हुआ था और उन्होंने संगठित रूप से एक साथ मिलकर उनकी हत्या की थी और तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था।